सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हरबक वर्ल्ड हिंदी को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज है 2 जुलाई 2018 और अभी हम हैं गुजरात राज्य के सूरत जिले के मोरथाणा ग्राम में। अभिका भाई और नरेंद्र भाई पटेल जी के फॉर्म पे हमें देख रहे हैं, ये चंदन का पौधा है। लगभग 6 फुट के आसपास का ये पौधा हो गया है। कैनोपी बहुत अच्छी है इसकी, ब्रांचिंग भी अच्छी है और इसकी जो कैनोपी है, पत्ती की साइज है, पत्ती में जो कलर है ये बहुत अच्छा है। उसका परिणाम है, मैंने अभी देखा मिट्टी में काफ़ी मात्रा में जो है मिट्टी में खुशबू आ रही है, एक सोनी महक, और मिट्टी काफ़ी मुलायम हो गई है। और मुलायम होने के साथ साथ इसमें जो खुशबू आ रही है उसी की वजह से इसकी कैनोपी इतनी अच्छी जा रही है। और जैसी खुशबू आती है समझिए कि फंगस और वायरस ख़त्म हो जाएगा और जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी जो है लेंथ भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी इसमें लेंथ बनाने के लिए बेसिकली फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम, ये 3 मुख्य तत्व हैं। तो आपने बिल्व रसायन अभी दिया है? हाँ दिया। अच्छा, बिल्व रसायन आपने दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी कितना समय हो गया चंदन को लगाए? 9 महीना हुआ। 9 महीने हुआ है, तो 9 महीने में 6 फीट की ग्रोथ आ गई। कितने फीट का पौधा लगाए थे? 12 इंच का, 9 से 12 इंच। 9 से 12 इंच का पौधा, 1 फुट। अच्छा, यहाँ अभी जो है यहाँ अभी कितने किसानों ने चंदन लगाया हुआ है? तो मैंने ही लगाया है। आपने ही लगाया? कोई रासायनिक खेती में जो चंदन लगा है वो देखा आपने? कोई नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, वो कम है क्योंकि अमूमन चंदन की ग्रोथ बहुत स्लो आती है। लगभग ये जो है अभी कितने वर्षों में ये पौधा तैयार होता है? 15 साल। 15 साल। अच्छा, आपने तो दूरी काफी दी हुई है, इंटरक्रॉप करना है इस वजह से। हाँ। कि बीच में और कोई पौधा आपने लगाया? अभी मैंने कलम लगाने का है। अच्छा, कैरी की कलम, आंबा। अच्छा, तो अभी क्या होता है ये, अभी इसका बाजार मतलब क्या मार्केट भाव क्या इसका चलता है? मान लो 15 साल तैयार हो गया, वो अभी तो चलता है 3,000 से लेके 6,000 किलो का। किलो का? अच्छा, 1 kg का। अच्छा, 1 kg, 3,000 से 6,000 अंदर का हार्ड वुड जो एक पौधे में 15 से 20 किलो की रास आती है। अच्छा, अंदर का जो गिरी होता है। हाँ। बोल रहा है सब लोग। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमने तो ऐसा लगाया है कि वो 20 से 25 किलो होना हाँ, हाँ। चाहिए। 2,200 फुटा लगाया है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी इनमें क्या है, केवल आपका जो है कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में आप पंचगव्य अणु शक्ति जो हमने बताया था, या आप डीकम्पोजर में भी अपघटक अणु शक्ति उसका स्प्रे करें, बिल्व रसायन का स्प्रे करें, और कैल्शियम की पूर्ति के लिए कैल्शियम अर्क भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और जो CVR टेक्निक है फास्फोरस के लिए मिट्टी का, वो भी आप ये चारों पांचों चीज़ को मिला करके स्प्रे अगर कर देते हैं साल में लगभग 6 बार, 2 महीने में 1 बार, तो भी इसकी कैनोपी बहुत अच्छा जाएगी। लेकिन सारा कुछ मैटर करता है कि ज़मीन में कितने पोषक तत्व मिल रहे हैं। मिट्टी अगर मक्खन जैसे मुलायम होगी, फंगस नहीं होगी, तो अपने आप ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।